अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास बी कंफर्ट के इज इन जूनियर एंड अपर स्कूल में खुश आमदी। कैसे आप सब लोग ठीक ठाक होंगे? खैरियत से मुझे यही उम्मीद है। आप सब लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी, बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी हो रही होगी। हम मुताले पाकिस्तान में जो है अपना बाल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया जो कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, जमीन और माहौल, यानी लैंड एंड एनवायरमेंट। हम इसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है अहम माहौलियाती मसाइल और इनका हल, मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड देयर रेमेडीज। इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान को बहुत सारे अहम माहौलियाती मसाइल का सामना करना पड़ा है, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला जो है वो आलूगी का है। हमने ये भी पढ़ा कि आलूगी कहते किसे हैं, माहौलियाती आलूगी के बारे में पढ़ा। माहौलियाती आलूगी हमने देखा कि 3 तरह की होती है। पहली दो एग्जाम जो हमने इसकी पढ़ ली, हवाई आलूगी और आबी आलूगी, यानी एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। आज हम इसकी तीसरी किस्म पढ़ेंगे, यानी थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जो कि है जमीनी आलूगी, लैंड पोल्यूशन। आज हमने लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि जमीनी आलूगी से क्या मुराद है, कहते किसे हैं जमीनी आलूगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जमीनी आलूगी की तारीफ क्या है। जमीनी आलूगी से मुराद सतह जमीन पर घरेलू कूड़ा करकट और फैक्ट्रियों और अस्पतालों के जहरीले मवाद का फैलाव है। यानी वो तमाम कारपेट, गार्बेज, वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो हम यूं ही कहीं पे भी फेंक देते हैं, वो हमारे माहौल को ना सिर्फ गंदा कर रहा है बल्कि हमारी जमीन को जो भी है वो दिन ब दिन आलूदा कर रहा है, जिससे बहुत सारे जो है मसाइल जो है वो दिन ब दिन जिनमें इजाफा होता जा रहा है। अगर हम इंग्लिश में देखें व्हाट इज मीन बाय लैंड पोल्यूशन, तो लैंड या डिफाइन लैंड पोल्यूशन, इट मीन्स लैंड पोल्यूशन रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम हाउसहोल्ड वेस्ट फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। अब ये जो मटेरियल है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए तो अगर हम देखते हैं तो जितना भी फैक्ट्रीज में या अस्पतालों में जितना भी मटेरियल यूज हो रहे हैं, जितना मवाद इस्तेमाल हो रहा है, उसको यूं ही जो है बाहर जो है रोड्स पर या कहीं पे भी कचरे वाली जगह पर फेंक दिया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत से जहरीले जो है मवाद ऐसा होता है जो न सिर्फ वहाँ के माहौल को आलूदा कर रहे हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों की वजूहत भी बने हैं, जिससे जमीन के अंदर जो है अंदरूनी सतह पर जो है जमीन की बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है, जिससे न सिर्फ वहाँ के में बीमारियों में इजाफा होता है, वहाँ पे गंदगी में इजाफा होता है, बल्कि जो जमीन की खूबसूरती जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी खत्म होती जा रही है जमीनी आलूदगी की वजह से। Due to the land pollution, the beauty of the nature, beauty of the land is almost damaged for the pollution. अगर हम कहें तो अब देखते हैं कि जमीनी आलूगी को हम कम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। इसमें सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि आवाम को भी आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो हुकूमत जो है मिलकर इसका जो है कोई सद्देबाब जो है वो किया जा सके, इसका कोई हल जो है वो निकाला जा सके। तो सबसे मेजर जो हल है, सबसे बड़ा जो हल है, जो जहाँ से हम जो है ना सिर्फ अपने माहौल को खराब होने से बचा सकते हैं, अपनी जमीन की खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, वो है सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट। ये ऐसा तरीका है जिससे हम जो है जमीनी आलूगी को काफी हद तक जो है वो कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बल्कि कम किया जा सकता है, ऐसा कहें तो हल नहीं होगा। यानी कि अगर हम कहें कि हमारा जो है एनवायरमेंट जो है एनवायरमेंट डिटेरियरेशन एंड नेचर ऑफ ब्यूटी जो है अगर हमने डैमेज नहीं होने देगी, जो है एनवायरमेंट को दोबारा से क्लीन करना है, जो एनवायरमेंट डिटर हो रहा है उसको दोबारा से क्लीन एनवायरमेंट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें वेज ऑफ सॉल्ट मैनेजमेंट जो है सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अपनाने पड़ेंगे। अब ये सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये है कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम जो ना सिर्फ घरेलू कूड़ा करकट करके जो दूसरी बाकी हमारे फैक्ट्रियों कारखानों के या अस्पतालों का जो मवाद है उसको दोबारा से या तो
रिसाइकिल करके इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है या मुख्तलिफ दूसरी चीजों में जो है इस्तेमाल किया जाता है वो उसमें से चुन के वो मटेरियल जो दोबारा से काबिल इस्तेमाल हो सकता है उसको इस जो है तरीके से हम दोबारा जो है रीयूजेबल बना सकते हैं। सबसे पहला सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला तरीका इसमें जो आएगा वो है कि जहरीला मवाद जो सबसे पहले जिसको सबसे पहले डिस्पोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहरीले मवाद को या तो दबा दिया जाए किसी ऐसी जगह पे जो बिल्कुल आबादी के बाहर एक ऐसा ग्राउंड नोटिस किया जाए जहाँ पर जो है तमाम कूड़ा करकट में से जहरीले मवाद को जो है वो अलग किया जाए और वहां पर जाकर जो है जमीन के अंदर उसको दबा दिया जाए। एक तो ये तरीका है यानी कि जो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स जो है उनको अंडरग्राउंड बर्न कर दिया जाए बर्न कर दिया जाए या फिर दूसरा जो तरीका लाया जो है यानी कि एक मखसूस दर्जा हरारत एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो हमें बता दिया जाता है कि इस टेम्परेचर पे इस दर्जा हरारत पर जो है इस जहरीले मवाद को जलाया जा सकता है यानी कि ताकि इसके जो नुकसान हैं वो हमारे माहौल को जो है ना हो यानी कि एक स्पेसिफिक अंडर द स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट्स हार्मफुल मटेरियल या हार्मफुल केमिकल्स आर बर्न यानी कि इनको हम जो है वो जला दें। अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं दूसरा सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका जो दूसरा तरीका है वो है रिसाइकलिंग यानी कि ऐसा मवाद जो दोबारा से रिसाइकिल होकर काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके यानी तमाम जो कूड़ा करकट है उसको एक जगह पे जमा किया जाए उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए अब वो हिस्सा जो है जिसको दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है जैसे प्लास्टिक वगैरह है ये जो है दोबारा रीयूजेबल हो सकते हैं जैसे पेपर है दोबारा री जो है उसको हम रीयूज कर सकते हैं इनको जो है एक फैक्ट्रीज में जो है रिसाइकिलिंग फैक्ट्रीज ऐसी काम करनी चाहिए रिसाइकिलिंग जो है जो ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जहाँ पर ये मटेरियल जो है ये वेस्ट मटेरियल जो है ये गार्बेज जो है ये दोबारा से रिसाइकिल करके इससे नई चीज़ें जो है वो बनाई जा सके यानी कि ऑफ द रेस्ट ऑफ द मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड शुड बी रिसाइकलिंग एंड रीयूजेबल मेक रीयूजेबल फॉर द पीपल। और तीसरा तरीका जो बहुत अहम है वो ये कि जो कूड़ा करकट ऐसा कूड़ा करकट जिससे कोई भी खाद वगैरह बन सकती है जिससे हम फसलों के लिए खाद बना सकते हैं ताकि ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होंगे इससे हम जो है लैंड पोल्यूशन से भी जो है वो काफ़ी हद तक इसमें काबू पा सकते हैं उस गार्बेज को दोबारा से रिसाइकिल करके रीयूज करके ठीक है उसे ऐसी खाद बनाई जाए जो जो है देसी खाद बनाई जाए जो हमारी फसलों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी और ना सिर्फ फसलों के लिए बल्कि हमारे माहौल के लिए भी जो है और हमारी जमीन के लिए भी जिससे जिससे फायदा पहुँचेगा यानी कि जो है फॉर दिस गार्बेज ऑफ अ हाउसहोल्ड गार्बेज मेक यूज टू कन्वर्ट इनटू अ मैन्योर कि हम उसको मैन्योर में चेंज करके कन्वर्ट करके दोबारा से जो है वो रीयूजेबल बना सके। इस तरह से जो है हमारा ना सिर्फ घरेलू कूड़ा करकट यानी कि जो हमारी इनमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज बन सकती हैं अगर हम इनको जमीन के अंदर दबा देंगे या खाद में दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि दोबारा से जब ये जो घरों का कूड़ा करकट है जो बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो दोबारा से रिसाइकिल हो सकती हैं उसको जब हम दोबारा से रिसाइकिलिंग करके दोबारा से मार्केट में लेकर आएंगे तो इससे ना सिर्फ हमारे जो है हमारे पैदावार में इजाफा होगा बल्कि हम अपने माहौल को भी आलूगी से बहुत हद तक जो है वो बचा सकते हैं हम अपने माहौल की आलूगी को बहुत हद तक जो है वो कम कर सकते हैं इसके जरिए से। यहाँ पर ये जो है हमारा टॉपिक जो है ये मुकम्मल होता है उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया गया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है। जो है आलूगी की तीनों एग्जाम हमने पढ़ ली आलूगी का जो टॉपिक है जो हमने यहाँ पे फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड में से जो फर्स्ट हैजर्ड हम पढ़े थे यानी पोल्यूशन पढ़े थे पोल्यूशन यहाँ पर हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ हमने इसकी तीनों टाइप्स जो है वो पढ़ी है पोल्यूशन की हमने डेफिनेशन भी देखी तीनों जो है हवाई होती है एयर पोल्यूशन
आपकी अलग की वाटर क्वेश्चन, जमीनी अलग की लैंड क्वेश्चन, इन तीनों की हमने डेफिनेशन भी देखी है, इन तीनों के हमने नुकसान भी देखे कि किस तरह से ये हमारे माहौल को खराब करें, और हमने वो बचाव के तरीके भी इसमें पढ़े कि हम किस तरह से जो है अपने माहौल को जो है इस किस्म के इन तीनों एग्जाम की अलगी से जो है वो महफूज रख सकते हैं, किस तरह से अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। आपकी किताब में सवाल जो है तफसीली सवाल नंबर 6 जो दिया गया है उसका जवाब भी यही है, जो कि पेज नंबर जो है 86 यानी 86, 87 और 88 पर जो एंड होता है टॉपिक आलूगी का, वहां तक है आलूगी। आलूगी की ये तीनों एग्जाम, ये सवाल तफसीली सवाल नंबर 6 का ये जवाब है, पेज नंबर 86, 87, 88 इंग्लिश और उर्दू दोनों के बुक के। और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा यानी जमीनी आलूगी, ये आपकी किताब के सफर नंबर 87 और 88 पर लिखा हुआ है, यानी 87 और 88 पर लिखा हुआ है, इंग्लिश और उर्दू दोनों के बुक के। ये